स्पर्श मंत्र के द्वारा अपने अंगों को कैसे स्वस्थ रखते हैं, प्रभु से कैसे हम कामना करते हैं अंगों के लिए। बाएं हथेली को हम सीधा करेंगे आगे ध्यान मुद्रा में, और दाहिने हाथ का अंगूठा तर्जनी और कनिष्ठ मिलाएंगे, और बीच की दो अंगुलियों से स्पर्श करके अंगों को छूने का हम अभ्यास करेंगे, पहले दाहिने फिर बाएं। ओम भांगे मैं आए अस्तु, इस प्रकार ओठ के दाहिनी तरफ माने मुख के दाहिनी तरफ और बाएं तरफ छूइए सभी लोग, और छूते ही ऐसा महसूस करिए कि ओठ में, दांत में, मसूड़े में, जिह्वा में, कंठ में, तालू में किसी प्रकार का कोई रोग व्याधि ना लगे, और कोई रोग व्याधि है वो धीरे धीरे हमसे दूर हो जाए, हम स्वस्थ हो जाए। और भगवान कितना सुंदर मुख दिया है, इस मुख में हमें मीट, मछली, अंडा, दारू, तमाकू, चीलम, गांजा, चरस न डालें, और मुख में सुंदर सुंदर चीजों का पान करें, इसलिए भगवान ने मुंह दिया है। और इससे कभी क्रोध होकर के, कभी चिल्ला करके, कभी तमस भरी शब्दों का कभी उच्चारण ना करें, हमेशा कोमलता पूर्वक मृदु भाव में ऐसे शब्दों का उच्चारण करें, भगवान ने इसलिए हमें मनुष्य का मुख दिया है। तो आइए अगले अभ्यास में, ओम नसोर में प्राण वस्तु, नासिका के दाहिनी तरफ और नासिका के बाईं तरफ, हे परमात्मा नाक में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, और नाक से जो सांस लेने की जो हमारी परंपरा रही है वो परंपरा भी कभी टूटे नहीं, नाक से जो सूंघने की शक्ति है वह भी कभी धूमिल ना हो, कभी रुके नहीं, ऐसे हम मनोकामनाओं के साथ, शुभ कामनाओं के साथ हम अंगों को कैसे स्वस्थ रखते हैं, प्रभु से कामना करते हैं। ओम अक्षोरण में चक्षुरस्तु, नेत्र के दाहिनी तरफ और नेत्र के बाईं तरफ, हे परमात्मा मेरे आंखों में कभी चश्मा ना लगे, मोतियाबिंद ना हो, कभी अब अंधा ना होवे, और इन आंखों से किसी भी माँ बहन को देखें सड़क पर चलते हुए तो उसमें अपनी माँ बहन बहू बेटी दिखाई पड़े, इसलिए भगवान ने हमेशा आंख दिया है। इसलिए आंखों की सुरक्षा और आंखों से देखने का जो मनोदशा है वह भी पवित्र हो, पावन हो, आध्यात्मिक और सात्विक हो। ओम कर्णयोर में श्रोतमस्तु, कान के दाहिनी तरफ और कान के बाईं तरफ, हे परमात्मा कान के पर्दे में छेद ना हो, मवाद ना हो, घाव फोड़ा फुंसी ना हो, और कान से जिंदगी भर हम श्रवण करते रहे, सुनते रहे, और हमारे बारे में कोई चुगली करे, कोई गाली दे तो ऐसा लगे कि वह प्रभु का भजन कर रहा है, और भगवान उसको भी सद्बुद्धि दे ताकि वह भी अच्छे कामों में वो चोरी चुगली ना करे, किसी की शिकायत ना करे, ऐसे उसके जीवन में परिवर्तन हो जाए, ऐसे शुभ कर्मों का वह अपने जीवन में स्थापित कर सके। ओम बाएं ओर में बलम अस्तु, कंधा के दाहिनी तरफ और कंधा के बाईं तरफ, हे परमात्मा हमारे कंधे में, हमारे ये केहुनी में, हमारे कलाई में, हथेली में, अंगुली के जोड़ों में किसी प्रकार का कोई दर्द या कोई बीमारी ना हो, और ये हाथ कभी भी उठे तो किसी को मारने के लिए नहीं, किसी को सताने के लिए नहीं, किसी को कष्ट देने के लिए नहीं, ये हाथ कभी उठे तो मुर्गा काटने के लिए नहीं, बकरा काटने के लिए नहीं, मछली को जल से निकाल के तड़पा के मारने के लिए नहीं, इससे किसी को भला हो सके, किसी की प्राण रक्षा हो सके, उसके लिए हाथ हमारा निरंतर उड़ता रहे और इससे सेवा होता रहे, कोई रचनात्मक काम होता रहे, कभी विध्वंसक कार्य ना हो सके, इसलिए भगवान ने हमें हाथ दिया है। जो इसके अनुरूप काम नहीं करता है वो अगले जन्म में निहत्था जन्म होता है, उसका हाथ पैर नहीं रहता है, बिना हाथ